तेरे होते हुए वो पृथ्वी से शादी कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती ना, तो ये बात बोलूंगी। निकाल। क्या हुआ? मुझसे नहीं होता ये सब यार। तुझसे नहीं होता मतलब? तुझसे नहीं होता का मतलब क्या होता है? तू क्या ये इंतजार कर रहा है कि पिताजी यहाँ पर आके मायरा के साथ तेरी एंगेजमेंट तोड़वाएंगी, तेरे को सॉरी बोलेंगे, उसके बाद तू उनको एक्सेप्ट करेगा? करण, तू उनका हस्बैंड है, वो तेरी वाइफ है, बात को समझने की कोशिश कर। अरे नहीं यार, तू गलत समझ रहा है। मुझे कोई शौक नहीं उसके हस्बैंड बनने का, ओके? मेरी प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो पृथ्वी मल्होत्रा, वो दाढ़ी वाला बकरा, और मैं नहीं चाहता कि प्रीता का रिश्ता उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ जुड़े। दैट्स इट। तू मुझे झूठ बोल रहा है, अपने आप से झूठ बोल रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या करण? तू अभी, तूने मुझे अभी बोला कि तू, तेरे को तेरे रूम में नींद नहीं आ रही, तू यही सोच रहा था ना कि पिताजी की शादी कैसे रुकवाए? ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तू मेरे से झूठ बोल रहा है, अपने आप से झूठ बोल रहा है? करण, मैं तेरी हेल्प करूंगा, मेरे भाई, तू मेरा भाई है, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तू जहां खड़ा होगा मैं तेरे साथ हूं। लेकिन मुझे तो मालूम होना चाहिए कि तेरे दिल में, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। करण, मैं जानता हूं, मैं तेरी शक्ल पर देख सकता हूं, तू खुश नहीं है। अरे मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी, इसलिए नहीं कि पिता की शादी हो रही है, बल्कि इसलिए कि पिता की शादी उस पृथ्वी मल्होत्रा से हो रही है, समझा तू अभी? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि जाके उसकी जैकेट टांगे तोड़ दूं उस पृथ्वी मल्होत्रा की, इसे लूला लंगड़ा बना दूं। I'm not that free, okay? You're not free? ठीक है, you're not free। वक्त से याद आया कि शादी आज ही है, 1 बजे। कल है शादी, मैं तो जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ ब्रंच पर, मुंबई रेस्टोरेंट। राइटिंग करने वाला आदमी ब्रंच पे जा रहा है? अरे तू किसको बता रहा है? मेरे भाई, तू मेरा भाई है, और मैं जानता हूं कि तू कहां जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि तू वहीं जाए। परफेक्ट, ये हुई ना बात। सृष्टि, तू समझ गई ना कि क्या करना है? अरे तेरा टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे पता है क्या करना है। मेरा दिमाग ना कंप्यूटर से भी फास्ट है, समझे आप? आपने जो बात बोली वो मेरे दिमाग में प्रिंट हो गई, सो यू डोंट टेक स्ट्रेस। जैसी वो बागड़ बिल्ला, मेरा मतलब है जैसे वो पृथ्वी हॉल में आएगा, मुझे आपको उसके रूम में लेके जाना है, सो दैट आप उससे कुछ बात कर सको। हाँ। यही है ना? हाँ। अरे तो क्यूट है, ठीक है। अरे दी, आप बार बार एक ही बात क्यों बोले जा रहे हो? मुझे पता है आपको पृथ्वी को थैंक्स बोलना है। मैं आपको बता दूंगी ना, जब वो हॉल में आएगा तो आप उसको थैंक्स बोल देना। स्ट्रेस क्या ले रहे हो आप? क्या नहीं, मैं तुझे क्या कह रही हूँ, तुझे क्या सुनाई दे रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने सिर्फ तुझे इतना कहा है कि जब पृथ्वी। हाँ, मुझे पता है आपने क्या कहा है, आपको बार बार एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, आई नो योर फीलिंग्स, ओके? देख, सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब पृथ्वी जी आ जाए तो मुझे बता दियो, ताकि मैं उनसे जाकर बात कर लूँ कि माँ के कहे। पर माँ, माँ तो यही है ना दी, माँ यही है। आप समझ रहे हो, इट्स ओके। अरे दी, आप रो क्यों रहे हो यार? जब भी माँ का नाम सुनते हो इमोशनल हो जाते हो। मुझे पता है आप मम्मा से बहुत प्यार करते हो, पृथ्वी भी मम्मा से बहुत प्यार करता है, इसलिए तो आपको उसको थैंक यू बोलना है ना, क्योंकि उसने माँ के कहने पे आपसे शादी के लिए वापस हाँ कर दी। इट्स ओके। By the way, मैं तो कहती हूँ कि पृथ्वी को थैंक्स बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, लड़का पहले भी आपसे शादी करना चाहता था, अब भी आपसे शादी करना चाहता है, तो लड़का तो अपना ही है। He is available for you, so you don't have to thank him. Relax, वो बहुत अच्छा है, he's a gentleman. हे माता रानी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो लगा था कि प्रीता ने मेरी तबीयत ठीक करने के लिए शादी के लिए हाँ की है, लेकिन नहीं, वो इस शादी से खुश है, और मैं उसकी इस खुशी से बहुत खुश हूं। माँ चली गई, तू पागल है क्या? हाँ मैं समझ गई कि माँ यहाँ खड़ी थी, लेकिन तुझे भी इतने लंबे लंबे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे क्या जरूरत थी बोलने की कि पृथ्वी जी इतने अच्छे इंसान है? मैं जानती हूँ कि वो अच्छे इंसान है, लेकिन माँ के सामने ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अब जब वो शादी के लिए ना करेंगे तो माँ को और भी ज्यादा दुख होगा,
कि उनकी बेटी की शादी इतने अच्छे इंसान से होते होते रह गई। सृष्टि तू भी ना। देखो दी, अपना एक असूल है, जो काम करो अच्छे से करो, अगर झूठ बोलना है तो शिद्दत से झूठ बोलो, लगना चाहिए कि सच है, you know what I mean? तू अपनी पटर पटर बंद कर और जो काम मैंने तुझे कहा है ना वो कर, समझ के जैसे ही पृथ्वी जी आते हैं ना तू मुझे इन्फॉर्म कर, दैट्स इट। ओके मैडम, ये देखो दुपट्टा कैसा कर लिया आपने, इतने अच्छे से सेट किया था मैंने, ये दिखाओ। इसे रखना पड़ेगा आपको। वैसे अगर करण सर को दी के शादी के बारे में पता चल जाए, उन्हें रोकने वो यहाँ आ जाए, सब कितना अच्छा अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो तू सोच रही है ऐसा नहीं होने वाला। अगर तुझे लग रहा है कि करण को रियलाइज हो जाएगा और वो यहाँ आकर ये शादी रोक देगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक, आपको कैसे पता कि मैं ये सोच रही हूँ? तेरी शक्ल देखकर, आईने में मुझे दिख नहीं रहा है क्या? जैसे मुझे देखकर तू शक्लें बना रही थी ना, मैं समझ गई कि तू क्या सोच रही है। दी, आप मुझे कितने अच्छे से जानते हो। I love you. समीर जी। वो समीर क्या हो रहा है यहाँ? ऋषभ और करण कहाँ है? हुआ, वो दोनों अपने अपने कमरे में ही होंगे, क्या हुआ? नहीं है कमरे में, मैं अभी अभी उसके कमरे से ही आ रही हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया करण। भाभी माहिरा और रमोना जी को मैंने मंदिर भेज दिया कुलदेवी के दर्शन करने, मॉम को भी साथ भेजा है। मॉम घर की बड़ी है, उनका पूजा में होना जरूरी है, पर करण का होना भी जरूरी है। अब करण के बिना ये पूजा अधूरी रह जाएगी। बहुत जरूरी था कि वो माहिरा के साथ पूजा में बैठे। मैं जानती हूँ करण इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, कम से कम मंदिर तो चला जाता, पूजा में बैठ जाता। कैसे भेजूं उसे मंदिर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण तो करण, ऋषभ भी घर पे नहीं है। वो मैं भूल गया था, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, वो दोनों ऋषभ भैया के रूम में थे। अच्छा, हाँ जी, प्लीज जाके देखो और करण से कहो इमीडिएटली नीचे आए, उसे मंदिर जाना, सब वेट कर रहे हैं उसका, उसका पूजा में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अभी जाता। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी, ये मेरी होने वाली बहू है, माता जी का आशीर्वाद लेने आई है, इसके लिए पूजा कर दीजिए। जी यजमान जी। हेलो भाभी, आप लोग मंदिर पहुंच गए? जी दीदी, हम तो मंदिर में ही हैं। अच्छा, क्या हो रहा है वहाँ पे? मेरा मतलब है पूजा शुरू हो गई? जी, पूजा चल रही है। अच्छा भाभी, मैं करण को जल्द से जल्द वहाँ भेजती हूँ। आप पंडित जी से कहिएगा कि करण के लिए भी कोई पूजा कर दे। ठीक है। क्या हुआ भाभी, आप इतनी सैड क्यों साउंड कर रही हैं? आप खुश नहीं है क्या? बहुत जल्द करण की शादी होने वाली है। आखिर कौन है वो लड़की? ये है वो लड़की, माहिरा। आज से 3 दिन बाद इन दोनों की एंगेजमेंट है। आंटी जी, मैं शादी करने जा रहा हूँ प्रीता जी से। मैं खुश कैसे हो सकती हूँ करीना दी, यहाँ सब कुछ हाथों से निकला जा रहा है। मेरे बेटे की शादी प्रीता के साथ हुई थी, अब वो दोनों फिर से शादी कर रहे हैं पर किसी और के साथ, और मैं इन शादियों को रोक भी नहीं सकती। कैसी माँ हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकती। भाभी क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा आप इतनी सैड क्यों साउंड कर रही हैं? नहीं करीना दी, मैं सैड कहाँ हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। दीदी अब मैं फोन रख रही हूँ, वो पंडित जी पूजा के लिए बुला रहे। ठीक है भाभी। हे माता रानी, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब गलत हो रहा है, प्लीज प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए। भाई, करण भाई, कहाँ चले गए दोनों? ना करण भाई अपने रूम में, ना ऋषभ भी अपने रूम में। करण भाई, आप बाथरूम में हो क्या? कमाल है यार। करण भाई, भाई ये कुछ शादी का कार्ड लगता है, ये ऐसे क्यों पड़ा है?
ये कैसे हो सकता है? प्रीता पिता से शादी कर रही है। सृष्टि ने तो कहा था करण भाई और प्रीता के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। वो मायरा और करण भाई की सगाई तोड़ देगी, उनकी एंगेजमेंट नहीं होने देगी, तो फिर ये क्या है? या तो उसकी खुद की बहन शादी कर रही है, वो भी किसी और से आज के दिन। हाउ इज दिस पॉसिबल? इतनी बड़ी बात हो गई, प्रीता पृथ्वी से शादी कर रही है और ये बात सृष्टि ने मुझे नहीं बताई। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। ये शादी का कार्ड यहाँ करण भाई के रूम में, मतलब करण भाई को प्रीता की शादी के बारे में पता है क्या? कार में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? हाँ, तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, हम लोग गाड़ी तो शेयर कर ही सकते हैं ना मेरे भाई। कमाल, तेरे पास तेरी गाड़ी है ना? अरे गाड़ी है, पर अपनी गाड़ी निकालूंगा तो ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा ना पगले। मतलब एक ही जगह पे जा रहे तो दो गाड़ियां क्यों लेकर जाए? एक ही गाड़ी पे चलते हैं। एक ही जगह पर कहाँ? मुंबई रेस्टोरेंट जा रहे ना तू? अभी तूने तो ऊपर कहा कि तू ब्रंच पे जा रहा है अपने दोस्तों के साथ मुंबई रेस्टोरेंट, तो उसके पीछे वाली बिल्डिंग में मेरी मीटिंग है, वहां पे उतर जाऊंगा मेरे भाई। टेंशन क्या है, ये मेरे को देना। तू गाड़ी चला आराम से गाड़ी चला। क्या बात है। अच्छा वैसे एक बात बता, है तू क्रिकेटर? जा तू ब्रंच के लिए रहा है, फिर इसका क्या काम है? मुझे अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा तू पृथ्वी की धुलाई के लिए लेके जा रहा है। देख ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ओके? मुझे पता तू क्या कहना चाहता है। तू बिना कहे सब कुछ जानने लग गया, स्मार्ट हो गया तू। अब ज्यादा मत बोलो, ओके? चल अभी। अभी मुझे क्यों कॉपी कर रहा था? तो तेरा ही गिफ्ट क्या हुआ मेरे भाई? पृथ्वी अभी तक नहीं आया पीछे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उसे अभी तक आ जाना चाहिए था ना। ये आ जाएगा, तू फिक्र कर रही है। नहीं, ट्रैफिक में फंस गया होगा, और मुंबई का ट्रैफिक तो तुझे पता है ना कैसा है। बहन जी, पंडित जी पूछ रहे हैं कि दूल्हा कब आएगा। पंडित जी को क्या करना है दूल्हे से? अभी तो वर पूजा को इतना टाइम पड़ा है, बार-बार क्यों पूछ रहे हैं कि दूल्हा कब आएगा, दूल्हा कब आएगा। हां तो बहन जी मुझे क्यों डांट रही? मुझे पंडित जी ने कहा मैं आपसे पूछने आ गई, मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी पूछ रही हूं। बेवजह मुझे डांटी जा रही। अरे तो और क्या करे जानकी, गुस्सा तो मेरे ऊपर आ रहा है, पर मुझ पे तो गुस्सा हो नहीं सकती क्योंकि मैं तो हूँ इसकी सास, इसलिए तुझ पे निकाल दिया। गुस्सा नहीं आ रहा, टेंशन हो रही है। उसे अब तक कहाँ जाना चाहिए था, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया। मुझे पता तो चलेगी वो कहाँ तक पहुँचा है, कब तक पहुँचेगा। मैं ना उसे फोन कर लेती हूँ, फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो घर से निकला भी है कि नहीं, बारात कितने बजे पहुँचेगी। लेकिन विजय फोन करना भी तो ठीक नहीं लगता ना, कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी एक बार फोन कर लूंगी ना तो तसल्ली। मां 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 मां, उनको फोन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनका फोन कल से नॉट रीचेबल है। मतलब अगर कल फोन नहीं लगा तो आज कैसे लगेगा। ऐसे मामा मैं क्या सोच रही हूँ, कहीं उन्होंने शादी का आइडिया ड्रॉप तो नहीं कर दिया? नहीं मतलब कहीं उनका मूड तो नहीं बदल गया, कहीं उनको भी शादी तो नहीं करनी। सॉरी नहीं नहीं मामा, मैं तो मजाक कर रही थी। आप ऐसे मुझे डरावनी आंखों से क्यों देख रहे हो यार? आपको तो पता ना मेरे दिल में जो होता है वो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उनका फोन कल से नॉट रीचेबल है। तुझे कैसे पता? तूने फोन किया था उसे? क्यों किया था फोन? जी क्या हो गया, एक फोन ही तो किया आपको बेवजह से। तू बीच में मत बोल जान के, मुझे पता है ये बेवजह पृथ्वी को फोन नहीं करेगी। मैं जरूर तेरे दिमाग में ना कोई खुराफात चल रही होगी। मैंने पृथ्वी को फोन किया होगा। मैंने नहीं फोन। मैं क्या जानती कितनी नफरत करती है तू पृथ्वी से, एक फूटी आंख नहीं पाता तुझे, तेरी और उसकी कुंडलियां तो मिलती ही नहीं। मुझे लगता है मुझे खुद ही फोन करके पता करना चाहिए कि कहां पहुंचा। बारात की आवाज आ रही। हाँ हाँ, पृथ्वी आ गई। आइए पीछे जानकी, वो आरती की थाली लेकर आ। हाँ
कितना बंदर की तरह उछल उछल के डांस कर रहा है ये बिल्ला। बहुत खुश लग रहा है ये शादी से। होगा ही, मेरी दी से जो शादी कर रहा है। खुश रहिए बेटा, जरा दूल्हे की आरती तो उतारने दीजिए। पीजी, वो आप ना पृथ्वी को दूल्हे वाले कमरे में ले जाइए, अभी बरभुजा में थोड़ा टाइम है। हाँ हाँ, फिक्र ना कर। आ बेटा, पीजी के साथ आइए। आ जा, जा। Hi, sister-in-law. Hello. अच्छा बेटा, तू भी अंदर आ मेरे साथ, मेहमानों की खातिरदारी करनी, थोड़ी मदद कर दे, चल। अरे नहीं माँ, प्लीज, मैं नहीं कर सकती, मुझे दी से अर्जेंटली मिलना है। दी से बाद में मिल लेना, पहले मेरे साथ चल। चल आ जा, आइए जी, आइए आइए भाई, आइए। अरे अरे रुक जा, फिकर ना कर, तेरी जान की आंटी है ना, वो करेगी तेरा काम। मैं अभी जाकर पिता को बोल कर आती हूँ कि पृथ्वी आ गया है, दूल्हे के कमरे में उसको लेके जाती हूँ। कल से पिता पृथ्वी से फोन पर बात करना चाह रही है ना, तो मैं उसकी वो बात करवा देती हूँ। जानकी आंटी, आपको सब पता है क्या? हाँ, कोई पूछने की बात है? ओ बेटा, तुम दोनों बहनों के ना मैं रग रग से वाकिफ हूँ, तुम दोनों कुछ भी करो ना मैं पता चल ही जाता है। सृष्टि, हाँ? मैंने कहा था ना मेरी मदद कर दी, चलती। अच्छा मैं अंदर जा रही हूँ, वरना माँ मुझे मार डालेगी। ये कहाँ? तू तो मुंबई रेस्टोरेंट जा रहा था ना ब्रंच के लिए, तो हाईवे से सुने क्यों नहीं लिए? गली में क्या? अरे यार, तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा? अरे तू मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा ना करण, हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बता कम। अरे बोला था ना यार तुझे, मैं दोस्तों के साथ ब्रंच करने जा रहा हूँ मुंबई रेस्टोरेंट। दैट्स इट। ओके ओके, रिलैक्स, हाइपर मत, हाइपर मत। नहीं, वो रास्ता थोड़ा सा जाना पहचाना था ना, इसलिए मैं तेरे को कह रहा था, तुझे तो हाईवे से लेना चाहिए। अरे यार, तुझे सब कुछ बताऊं क्या यार, हाईवे पे ट्रैफिक था इसलिए इधर से लिया। हाँ ठीक है, मैं कौन सा प्रीता की शादी पे, आई मीन उसकी शादी रोकने जा रहा हूँ? ऑब्वियसली तू उसकी शादी रोकने के लिए नहीं जा रहा। मैंने कब कहा तू उसकी शादी रोकने के लिए जा रहा? वैसे भी अगर हम लोग उनकी शादी रोकने के लिए उनके वेन्यू पे जा रहे होते तो हम लोग आगे से लेफ्ट देते ना, अभी तो हम लोग सीधा जा रहे हैं। क्या हुआ, तूने लेफ्ट क्यों ले लिया? अरे तूने लेफ्ट क्यों ले लिया, तू वेडिंग वेन्यू पे जा रहा है क्या? करण तेरे से पूछ रहा हूं मैं, तूने लेफ्ट क्यों ले लिया यार, तू क्या कर रहा है, वेडिंग वेन्यू पे जा रहा है क्या? करण क्या हुआ, गाड़ी खराब हो क्या, हुआ क्या? प्यास लगी। क्या कर रहा है? पानी पीना। अरे तू पानी तो गाड़ी में भी है ना, करण कहां जा, मुझे मालूम है तू कहां जा रहा है, मैं तो तेरे मुंह से उगलवाना चाहता हूँ। मुझसे कितना भी छुपा ले, कितनी भी चालाकी कर ले, मुझे एग्जैक्टली मालूम है तू क्या करेगा। चल पुत्र, पृथ्वी आ गया। ये सृष्टि भी ना, इसे बोला था मैंने पृथ्वी जी आए तो सबसे पहले मुझे बताना, लेकिन नहीं, भूल गई होगी, बातें इतनी बड़ी बड़ी करती है ना, लेकिन किसी काम की नहीं, इसीलिए मैं इसे कोई काम कहती ही नहीं हूँ। मुझे अभी जाकर पृथ्वी जी से बात करनी होगी, उन्हें कहना है कि जल्द से जल्द इस शादी से बैकआउट कर जाए। अभी नहीं कहूँगी तो कब कहूँगी, मंडप में खड़े होकर कि पृथ्वी जी शादी से मना कर दो? मैंने तो इस शादी के लिए हाँ सिर्फ माँ का दिल रखने के लिए कही थी। की होया? चलना, चलो। हाँ मंडप में, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? पिछली बार तो इतनी जल्दी नहीं गई थी, मेरा मतलब कि मैंने और भी शादियाँ देखी हैं, दूल्हा दुल्हन तो बहुत बाद में मंडप पे जाते हैं। मैं तुझे मंडप में ले जाने के लिए नहीं आई। अरे मंडप में तो अभी बहुत वक्त पड़ा है, मैं तुझे पृथ्वी के कमरे में ले जाने के लिए आई हूँ। तूने पृथ्वी को शादी के लिए ना कहनी है ना, चल जल्दी से चल। अरे जितनी जल्दी बोल देगी ना उतना ही चंगा है।
चल ना, चल। अच्छा तू ये सोच रही है ना, ये काम तूने सृष्टि को बोला था? सृष्टि नहीं आएगी, तेरी माँ ने उसको पकड़ लिया, उसको दूसरे काम में लगा दिया, इसलिए तो मैं तुझे लेने आई। चल जल्दी चल। जानकी अब सब जानती है? हाँ, मैंने पता है तू करण से नाराज है, तो उसको पसंद नहीं करती, शायद तू उससे नफरत भी करती है, पर मुझे ये भी पक्का पता है कि तेरे मन में करण के लिए चाहे जो भी हो, पर पृथ्वी के लिए तेरे मन में कुछ भी नहीं है। देख कुछ, तू अपनी माँ के कहने पर या अपनी माँ की खुशी के लिए पृथ्वी से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने से तो चंगा है तू हमारे साथ रह के अपनी जिंदगी बर्बाद कर। तू करण को गालियां देना चाहती है ना, जी भर के थे, दो चार मैं भी दूंगी, पर मेरे बच्चे पृथ्वी से शादी ना कर, मेरी अकल मान ले।